अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी वक्त है शाम का, अभी बज रहे हैं 5:30। मैं हद को नीचे लेके जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए। आज मैं मूली की भाजी बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है। पहले उसके लिए ना मैं इसे एक तो विसल लगाऊंगी, बॉईल करूंगी, मतलब मैं कुकर में कर रही हूँ ये काम ताकि जल्दी हो जाए। आप चाहे तो देखची में भी कर सकते हो। ये देखो मैंने इसे पूरा फुल नहीं करी हूँ, जैसे इसमें थोड़ा ही पानी डाली हूँ मैंने। अभी मैं इसमें 2 whistles आने दूंगी। यहाँ पर मेरी मूली की भाजी बॉईल हो गई थी। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे इजीली ये ब्रेक हो जाए, सिर्फ हमें इतना ही कुक करना है। यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दी हूँ। अभी ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर मसाले मिक्स करूँ। मामाअर्थ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू ऑर्डर कर ली थी, ये अभी आया है तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जस्ट ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है, लॉन्गर शाइनी हेयर के लिए है ये। जैसे तो मैं आपको ये यूज करके बताऊंगी ये कैसा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर करी हूँ।
यहाँ पर मैंने मूली स्ट्रेन करके रख दी थी। स्ट्रेन करने के बाद में मैं यहाँ पर उसमें मसाले मिक्स कर रही हूँ। मसाले में मैंने रेड चिली पाउडर और नमक डाली हूँ। रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर डेढ़ टी स्पून डाली थी और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है आपको, क्योंकि मूली में ऑलरेडी नमक होता है नेचुरली, तो आपको इसमें नमक कम रखना है। यहाँ पर नमक डालने के बाद में मसाले डालने के बाद में मैंने अच्छे से मिक्स करी। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाली हूँ। अभी मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करूँगी। मिक्स होने के बाद में मैं इसे तड़का दूँगी। अभी मैं भाजी को तड़का देने जा रही हूँ। ये मैंने भाजी इधर इसमें नमक और मिर्ची लगा के रखी हूँ। ये मैंने तेल डाल दी कढ़ाई में, मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ कर रही हूँ इसमें, आप चाहे तो कम भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस पर थोड़ी सी ड्राई रेड चिली डालूँगी तड़के के लिए। ये थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये भाजी डाल दूंगी अपनी। आप चाहे तो ये भाजी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाली। मैंने इसमें सिर्फ नमक और सिर्फ मिर्ची पाउडर डाली थोड़ा सा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल भाजी है, आप चाहे तो इसे अपनी डाइट में भी फॉलो कर सकते हो इसका, लेकिन थोड़ा तेल कम रखना। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा तेल डाली हूँ, आप चाहे तो इसे अपनी डाइट में फॉलो कर सकते हो बहुत, लेकिन तेल की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा कम कर देना। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये देखिए मेरी मूली की भाजी रेडी हो गई है, इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, इसे मैंने 10 मिनट तक पकाई। ये अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, यहाँ पर मेरी भाजी रेडी हो गई है और एक साइड में मैं अपनी रोटियाँ बनाऊँगी। अभी मैं कर रही हूँ डिनर। डिनर में जो मैंने अभी मूली की भाजी बनाई थी, मूली की भाजी, और दोपहर में मैंने अंडे आलू का सालन बनाई थी, वो अंडे आलू का सालन है। तो ये मूली की भाजी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत सिंपल रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में अहद मेरे साथ में डिनर करने के लिए, वो भी एग योक बहुत शौक से खाता है। तो ये है नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी दही फुल्की। जो मैंने ईद के दिन फुल्की बनाई थी ना, उसी में से मैंने थोड़ी फुल्की निकाल के स्टोर करके रख दी थी। उसी को मैंने निकाल के थोड़ा ठंडे पानी में डाली एक दो मिनट के लिए, फिर बाद में ऐसे हाथ से आपको हल्के हाथ से उसे स्क्यूज कर लेना है जैसे कि मैंने करी वीडियो में। और अभी मैं बनाऊँगी उसकी छाछ। छाछ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दही। अगर आपके पास छाछ अवेलेबल हो तो आप छाछ में भी बना सकते हो, मेरे पास छाछ नहीं थी इसलिए मैं दही में बना रही हूँ। मैंने इधर 1/2 kg दही ली हूँ, उसे मैं अच्छे से पहले विक्स की हेल्प से फेटूँगी। फेटने के बाद में मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैं यूज़ करूँगी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और ज़ीरा।
और अभी यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाली हूँ, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाली हूँ। हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। उसके बाद में हमें जितना पानी चाहिए रहेगा फुलके में, हम उस हिसाब से ठंडा पानी डालेंगे। फ्रिज का पानी डालना, क्योंकि ये दही फुलके ना ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, इसलिए आप भी फ्रिज का पानी यूज़ करना। यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमें इसमें नमक चेक करना है। यहाँ पर देखिए मैं नमक चेक कर रही हूँ। अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ पर नमक एडजस्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिक्र नहीं करना, आप थोड़ा और पानी डाल सकते हो इसके अंदर। फिर बाद में नमक चेक करने के बाद में हमने जो फुल्की स्क्यूज करके रखी थी पानी में से, हम वो डाल देंगे। पानी आपको इसमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि फुल्के अभी पानी पीती है, इसलिए अगर आप पानी कम रखोगे तो फुल्की पूरा पानी पी जाएगी और आपका कुछ भी उसके अंदर छाछ नहीं बचेगा पीने के लिए। इसलिए आपको पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखनी है। मैंने भी इसमें 1.5 लीटर तक पानी डाली हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं सारी फुल्की डाल रही हूँ। ये अच्छे से 10-15 मिनट तक इसके अंदर डूबी रहेगी, फिर बाद में हम इसमें तड़का देंगे। यहाँ पर अभी मैं तड़का देने जा रही हूँ। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल ली हूँ, उसके अंदर मैंने ड्राई रेड चिली डाली हूँ। आप चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हो, पर मैंने ज़ीरा नहीं डाली, सिर्फ ड्राई रेड चिली डाली हूँ। ये थोड़ी सी कलर चेंज कर लेगी, थोड़ी सी ब्लैक सी हो जाएगी, तो हम लोग इसे डाल देंगे फुलकियों के अंदर।